हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मेरा जो वीडियो था जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा पे, उसमें मैंने बताया था आप लोगों कि मैं जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट वीज़ा का, वो भरने में एक वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, अभी हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स। ये साइट है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे आके आप करेंगे तो न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करिए आप। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी एक किया था तो मैं इसको डिसरिगार्ड कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए हम न्यू न्यू एप्लीकेशन पर हमने क्लिक कर दिया है। ठीक है यार, ऑलरेडी आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, न्यू एप्लीकेशन आ गया है यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नॉर्मल एप्लीकेशन होता है, फैमिली नेम हो गया आपका, फर्स्ट नेम, ये देख सकते हैं आप। साइट का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, साइट जो मैंने बोला ये देखिए, विडेक्स डैश नेशनल डॉट डिप्लो डॉट डी, ये करके आप इस पर आ सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आपके पेरेंट्स का डिटेल, ऑक्यूपेशन लर्न्ड, ठीक है, और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट, बहुत ही सिंपल है। आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, आपका पासपोर्ट, ये सब, उसका इशू डेट, ट्रैवल डेटा, आप पर्पज़ ऑफ स्टे क्या है इसमें आप डाल सकते हैं अपना, रेफरेंस, टाइप ऑफ रेफरेंस क्या है इसमें आप क्लिक करेंगे, देखिए क्या है आप, ठीक है, नेम ऑफ द एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे एप्लीकेबल नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है फ्रेंड्स, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अब ये एक मैं आपको बताना भूल गया, ये विडेक्स क्या होता है? विडेक्स होता है, समझ लीजिए, देखिए अगर आपको जर्मनी घूमने जाना है, क्योंकि जर्मनी शेंजन एरिया का पार्ट है, तो आप एक नॉर्मल शेंजन वीज़ा लेके आप 90 डेज़ के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आप जर्मनी के अंदर शेंजन वीज़ा पे घूम सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए, आपको 90 के ऊपर जाना है तब आपको ये विडेक्स लॉन्ग टर्म स्टे लेना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन भी है, आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देखिए साइट पे आइए फ्रेंड्स, इसको पढ़िए। अगर कोई भी डाउट आपको होता है, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, आप कमेंट्स में लिखिए फ्रेंड्स, आई वुड लव टू आंसर। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।